ये मैं उठा के खाता हूँ, मुझे ये फ्राइड जिस तरह नमकीन गोश्त होता है ना फ्राइड, वो लग रहा है गर्म। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। फूड का पाकिस्तान विद इन ड्राइवर एपिसोड 10 आज शुरू हो रहा है और हम लोग, मैं ही सेम खड़ा हूँ गुजरांवाला में। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, एपिसोड 9 अगर आपने देखा था, तो गुजरांवाला में हमने मीट की सही अन्नी डाली थी। आज हम लोग गुजरांवाला से निकल रहे हैं और पहुँचेंगे इस्लामाबाद। तो गुजरांवाला से इस्लामाबाद के रास्ते में जो भी मज़े के ढाबे हमें मिलते जाएंगे या जो भी रेस्टोरेंट्स मिलते जाएंगे, कोई 3-4 चीज़ें हमने सोच के रखी हुई हैं। अगर वह देखेंगे, अगर वहाँ माहौल हुआ तो वहाँ रुकेंगे, कहीं और माहौल हुआ तो कहीं और रुकते हुए जाएंगे। ओहो, ये है गेम असल, हेवन ऑफ मटन। मज़े मज़े के कुछ खाने खाते हुए पहुँचेंगे हमें आज इस्लामाबाद। और गुजरांवाला में मौसम जो है वो अच्छा हुआ है, पीछे बादल शादल नज़र आ रहे हैं, ज़रा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक जो है वो आज पूरा दिन बारिश थी, लेकिन अल्लाह ताला के काम, अल्लाह ताला जाने, कोई फिलहाल बारिश नहीं हो रही। बट हाँ, ठंडा ठंडा मौसम है, थोड़े थोड़े से बादल हैं और हम लोग निकलने लगे हैं गुजरांवाला से इस्लामाबाद वाया हाईवे, वाया GT रोड। तो जो भी आएगा खा जाएंगे। गुजरांवाला से हम लोग निकल चुके हैं इस्लामाबाद के लिए और हमने गुजरांवाला से इस्लामाबाद जाने के लिए इन ड्राइवर की इंटरसिटी सर्विस यूज़ की है। जो हम करते हुए आ रहे हैं उसमें होता ही है कि आप इन ड्राइवर ओपन करते हैं, इंटरसिटी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आप लोकेशन डालते हैं कि मैंने इस शहर से इस शहर में जाना है, जहाँ पर इन ड्राइवर काम कर रहा है कि मैंने इस शहर में जाना है। फिर आप सेलेक्ट करते हैं मैंने कब जाना है, और आपके पास ऑप्शन होती है कि आप एक पैसेंजर भी जा सकते हैं और ऑल सीट्स नीडेड वाली ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं कराची से ऑल सीट्स करता हुआ आ रहा हूँ। तो जनाब, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक भाई साहब। ठीक है, तो हम लोगों ने ये होंडा सिटी बुक की थी 10,000 रुपीज़ में, इन ड्राइवर पर ऑप्शन आती थी। सर, कब से इन ड्राइवर चला रहे हैं आप? पिछले 3 मंथ से चला रहा हूँ। वाला कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये इंटरसिटी आप कितने ट्रिप कर चुके हैं ऑलमोस्ट इन ड्राइवर पे? 100+ कर चुका हूँ। उफ, क्रेजी। तो मतलब पहले जिस तरह होता था कि लोग कॉल करते थे, ड्राइवर ढूंढते थे कि फलाने शहर जाना है, गाड़ी बुक करवानी है, तो आपके लिए भी इसमें ईज हुई है कोई कि ऐप पे आता है डायरेक्ट? ऐप पे आने पे हमें बड़ा इजी हुआ है, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर आता है, कॉल करते हैं हमसे, ठीक है, फिर सेलेक्ट करके सिटी जहाँ जाना है उनसे रेट वगैरह करके हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके लिए भी ईज हुई है? हमारे लिए तो हुई हुई है। नहीं, हमारे लिए भी बहुत ईजी हुआ है। सही है, ये ज़बरदस्त सीन है यार। अभी हम लोग, अब भाई के साथ मेरी गपशप हो रही है, और इन ड्राइवर पे मतलब आप जो भी गाड़ी बुक करवा रहे हैं उसमें एक मज़े की चीज़ ये भी है कि ड्राइवर जो भी आ रहे हैं वो होते भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है इनके साथ ज़रा राइड शाइड करने का। अभी टाइम हो चुका है 1:51 और हम लोग निकल चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। रास्ते में खाते पीते जाना है, आप ज़्यादा खा के तो नहीं आए हुए? वैसे भी आप गुजरांवाला हैं, आपको जितना मर्जी हम खिला दें, मसले वाली बात नहीं है। पहला स्टॉप हम लोगों ने ले लिया है काफ़ी जल्दी तो नहीं, मेरे ख्याल गुजरांवाला से हम लोग निकले हैं और इस टाइम हम हैं वज़ीराबाद बाईपास पे। वज़ीराबाद बाईपास पे एक रेस्टोरेंट है, स्पिनगर शिनवारी रेस्टोरेंट। और इनके सीन ये है कि हमें इसकी रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद जो हमारे साथ हमारे इन ड्राइवर हैं उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ़ की कि यहाँ से इस जगह पे लोग दूर दूर से खाने खाने के लिए आते हैं। मैंने कहा भाई ट्राई कर लेते हैं। एक हमने शिनवारी ट्राई किया था परसों जब हम लाहौर से गुजरांवाला आ रहे थे, अब फिर से ये स्पिनगर शिनवारी है। और इनका सीन ये है कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, सामने फ़िलहाल जो है वो एक तरफ सज्जी का सेटअप लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, मतलब पार्किंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है, बैठने की जगह अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और सज्जी वज्जी लगी हुई है, बारबेक्यू लग रहा है, दम पुख्त लग रहा है, कढ़ाइयाँ लग रही हैं, माहौल हैवी लग रहा है मुझे। और एक चीज़ जो देख के मैं हैरान हुआ हूँ, यहाँ पर दुम्बे लगे हुए हैं तकरीबन 20-25, इससे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ होगा। ये वाला एरिया जहाँ पे इनकी मतलब वेजिटेबल्स वगैरह कट रही हैं, चिकन कट रहा है, यहाँ से इस तरफ है किचन, और किचन की क्या गेम है, मतलब आप किचन का साइज चेक करो। ये अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आप? काबुली पुलाव। काबुली पुलाव मुझे दिखाएं। ओह क्या बात है यार, काबुली पुलाव रखा है इतने स्टाइल में हुआ है।
चाचा ये कौन सा मटन है या मतलब बकरा है या दुम्बा है? दुम्बा यार। ये इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो काबली पुलाव को कवर किया है, मैंने उन्हें कहा प्लीज इसको उठा के हमें दिखा दें। उठा दें जी, उठा दें। ओए होए 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 होए, काबली पुलाव गेम स्ट्रॉन्ग। कोई खूबसूरत माहौल है इस किचन का, कढ़ाइयाँ बन रही हैं और प्रॉपर एक मज़ेदार जो है ना मटन की एक गेम नज़र आ रही है यहाँ पे। इन्होंने वो बड़े बड़े दो जो है वो टब टाइप पतीले रखे हुए हैं, उनके अंदर मटन जो है वो फ्राई होता जा रहा है और जैसे ही ऑर्डर आता है आप, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप वहाँ से कहते हो जी मैंने कच्चा मटन उतरवाना है, ये वाला पार्ट उतरवाना है, तो वो भी सीन हो सकता है, वरना यहाँ पे मिक्स मटन जो है वो फ्राई होता जा रहा है, उसमें से वो निकालते हैं जैसे ही ऑर्डर आता है और वो कढ़ाई के अंदर फिर तैयार होना शुरू हो जाता है। तो बहुत खूबसूरत माहौल है, पीछे जो है वो काबली पुलाव वाले अंकल खड़े हैं, मैं वो काबली पुलाव डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप अपना तारफ थोड़ा सा करवाएं। मैं हूं और मेरे साथ मेरा मतलब बड़ा भाई होता है, हम यहां के ऑनर हैं, हम खुद ही ये चला रहे हैं। आप पेशावर से हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली हम पेशावर से हैं। कितना अरसा हो गया ये चलते हुए? ये तकरीबन हमारा 8 साल हो गए हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। यार अभी मुझे कोई बाहर 20 दुम्बे लटके हुए नजर आ रहे हैं। जी जी। तो कितने दुम्बों की रनिंग है डेली की? 20 तो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इससे पीछे जो है ना मतलब फ्रीजर पे भी कुछ पड़े हैं ना। फ्रीजर में भी पड़े हैं? हाँ भी, फ्रीजर में भी। और मुझे किसी ने बताया कि ये 20-25 दुम्बे तो 2-3 घंटे की गेम है शाम के टाइम में। जी जी बिल्कुल, ये असल रश जो होता है यहाँ पे वो शाम के टाइम है। शाम को जी, जी। हम लोग जरा लंच में ही आज दुम्बे फाड़ने के लिए पहुँच गए हैं, लेकिन यार माशाल्लाह बहुत हैवी। जो लंच के टाइम अगर कहीं पर दुम्बे की कढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बन रही हैं तो आप सोचो कि शाम को क्या, शाम को यहाँ पर वेटिंग का सीन होता है। 20-25 दुम्बे 2-2.5 घंटे में ख़त्म, फिर ये नए दुम्बे लगाते हैं। यहाँ पे चल रहा है कढ़ाइयों का सिस्टम और ये तकरीबन 40 कितनी गिट्टियाँ ये यहाँ पे 26 यहाँ पे तकरीबन शाम को अगर आएँ तो ये 26 की 26 जो है वो फुल होती हैं, कढ़ाइयाँ लग रही होती हैं। और ये मुझे खोल के दिखाइए ज़रा इसके अंदर क्या है। ये बहुत बड़ा, ओहो टब ऑफ मटन, क्या बात है यार। इसके अंदर मटन प्रॉपर शाइन के अंदर बन रहा है। ये क्या आया? और मटन आया। ओए होए 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 होए, अखीर हो गई। अच्छा अभी इसके अंदर मटन बन रहा है और इसको इसी में से कढ़ाइयाँ बनेंगी। जी सही है। अच्छा जी मटन, ये सारा मटन और चिकन बहुत कम बन रहा है, ज़्यादा मटन ही चलता है यहाँ पे। इस तरफ जो है ये कढ़ाइयाँ पड़ी हैं और जब और ऑर्डर्स आएंगे, यहाँ पे अदरक पड़ा हुआ है, ये टमाटर पड़ा हुआ है, ग्रीन चिलीज पड़ी हुई हैं और वो एक बंदा जो है वो ग्रीन चिलीज और काटी जा रहा है। ये मतलब इतना रनिंग के अंदर है ये सारा काम कि उनको पूरी ये चीज़ें इतनी भर भर के रखनी पड़ती हैं और फिर खाली हो जाती हैं। और किचन में अगर हम इस तरफ जाएं तो वो चाचा जी ने खूबसूरत सी प्लेट निकाली है काबली पुलाव की, क्या बात है चाचा जी। ये काबली पुलाव आप ही बनाते हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। कब से बना रहे हैं आप काबली पुलाव? यार 35 साल हो गया। 35 साल से काबली पुलाव बना रहे हैं? हमारा वालद साहब भी काम करता था, बड़ा भाई करता था मेरे। अब सही से अब तो मुझे शौक चढ़ रहा है आपका काबली पुलाव खाने का। उस तरफ बन रही है रोटी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खान साहब? खान साहब शर्मा रहे हो? अच्छा ओ गेम असल हेवन ऑफ मटन। दमपुख किस तरफ है? ये तैयार हो रहा है जी दमपुख। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन दमपुख, ओए होए होए होए
मैंने इनकी मोस्टली चीज़ें जो है वो मंगवाई हैं जो मुझे इस टाइम के अंदर अंदर मिल सकती थी। उसके अंदर हमारे पास दम पुख्त है, बड़ा खूबसूरत बड़े से देचकों के अंदर उन्होंने दम पुख्त किया हुआ है, उसके पोटैटो शटैटो, उसका ऑयल, ग्रीन चिलीज, वो एड की इसके अंदर। उसके अलावा मेरे पास इस टाइम दो मैंने मंगवाए हैं काबली पुलाव, मटन काबली पुलाव, साथ में चपली कबाब मंगवाए हैं, साथ में इनकी ग्रेवी वाली कढ़ाई मंगवाई है। सबसे पहली चीज़ जो मैं ट्राई करने लगा हूँ वो है दम पुख्त, और दम पुख्त का भाई वैसे ही बहुत बड़ा वेरी है, आपको पता होगा। इन्होंने हमें डाल के दिया है एक पूरी लैम्प शेंक और एक और पीस है, उसके अलावा बीच में ऑयल है, फुल हाफ प्याली जो है ऑयल से भरी हुई है। ओए होए 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 होए, दम पुख्त ने अन्नी डाल दी है अभी से, मैंने उसको सिर्फ तोड़ा है। क्या बात है यार, दम पुख्त ने कोई अखीर मेरी कर दी है। ओफ यार, वर्ल्ड क्लास दम पुख्त, कसम से जस्ट दे देने वाला दम पुख्त, प्रॉपरली एक्सट्रीमली टेंडर, एक्सट्रीमली जूसी, फुल ऑफ फ्लेवर, और जिस तरह ऑयल शॉयल बीच में और दम पुख्त एक कुछ घंटे लगा के जो बना होता है, वो बता रहा है कि मैं कोई किसी नस्ल का दम पुख्त हूँ। मतलब मैं उस पर उंगली लगा रहा हूँ और उसका मीट जो है वो खुर रहा है, वो इस लेवल पे है, और प्रॉपर नमकीन जो आप टेस्ट, और ये साथ में नान हमारे पास एक दम पुख्त के साथ लगाते हैं जी, बाइट पूरी, और इसके अंदर आलू है पूरा छिलके के साथ, जो पूरा पूरा आलू डाल के जो है ना वो अंदर रख देते हैं उसमें, और उसको ऊपर से बंद कर देते हैं एयर टाइट टाइप से, और ये आलू मैं तोड़ूंगा, ओए गर्म है, आ हाँ, आलू इसको ऊपर लगा के, और इसको मैं पूरा डिप करूँगा ऑयल के अंदर। ओहो हो, ओहो ओहो, आलू के अंदर प्रॉपर मीट का एरोमा फील हो रहा है, और जो ऑयली, क्योंकि जब पक रहा होता है मीट की तह लगती है, आलू की तह लगती है, तो वो सारा इतना स्लो वो आग पे बनता रहता है, अंदर ही स्टीम इकट्ठी होती रहती है, वो सारा आलू के अंदर भी उस मीट का आपको प्रॉपर फ्लेवर फील होता है। क्वेटा में इसको बोलते हैं पटाटिस, दी बेस्ट दम पुख्त, जो मतलब बहुत बहुत ही कम रेयर मैंने इस तरह का दम पुख्त खाया है, हेवनली फ्लेवर्स। अच्छा अब भी मैं ट्राई करूँगा, हमारे पास है जी लैम्प कढ़ाई जो कि बनी हुई है ग्रीन चिलीज़ में, टमाटर में, अदरक में, मतलब उसके ऊपर इतना टमाटर, इतना अदरक, इतनी ग्रीन चिलीज़ वो जो अंदर काट रहे हैं। ये पहले मीट जो है वो फ्राई हो रहा था, फ्राई होने के बाद वो कढ़ाई में आता है, उसके अंदर नमक मिर्चें सिंपल, और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक शदरक डाल के उसको बनाते हैं, और ये हमारे पास इसके, ओए होए, ये देखो कढ़ाई का मीट कैसे टूट रहा है, ओए हो, ये चेक करो, इसको मैंने ऐसे पकड़ना है और ऐसे, ओह उफ, आहा, इतना कोई नस्ली, इसके ऊपर रखेंगे ग्रीन चिली, आला नस्ल यार, यार कढ़ाई का कोई लेवल है, उसका मीट खुल रहा है और फुल फ्लेवर्स के साथ, ग्रीन चिली उठा के पूरी, आहा, जो हम लोग लाहौर से गुजरा वाला आए थे तब एक रास्ते में जो इस तरह शिनवारी मिला था वो मुझे इतना मज़े का लगा था, ये उससे कोई मल्टीप्लाई हुआ या 5-6 कर सकते हैं इसको, इतना मज़ेदार है, एक ऑथेंटिक जो कढ़ाई के जायके आपको आने चाहिए, जो हमें लाहौर में एक बड़ी मशहूर जगह पे कुछ अर्सा पहले तक आया करते थे, अब इतनी नस्ली लैम कढ़ाई आसानी से नहीं मिलती। अच्छा इसके अंदर सीन ये है कि जब ये मीट फ्राई हो रहा होता है पहले, क्योंकि सारा ऑयल के अंदर ये डाल देते हैं, इतने बड़े बड़े वो टब टाइप इन्होंने रखे हुए हैं, उसके अंदर डाल के ये फ्राई होता रहता है, तो अच्छी जो है ना वो बन जाता है, मतलब उसका एक प्रॉपर एक फ्राइड फ्लेवर बीच में आपको आता है, क्या वो ज़रा जिस तरह आप फ्राई रोस्ट टाइप कभी कोई चीज़ खाते हैं ना, उस टाइप का, जिस तरह आप कभी फ्राइड कोई चीज़ खाएँ, फ्राइड मटन या इस तरह का, उस टाइप का बीच में आपको एकदम जायका आता है, नमकीन सा, साथ में ऑयल, साथ में ग्रेवी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है लेकिन अच्छी जो ग्रेवी होती है, जिस तरह उसके साथ आपको, हाँ, एक सूखा बिल्कुल नहीं लगता, मेरा बोलने का दिल नहीं कर रहा, ये इतनी मज़ेदार कढ़ाई है, जो लैम्प फैट अंदर मेल्ट हुआ है उसकी वजह से वो प्रॉपर आपको एक स्टिकी सा फील, एक पूरा दुम्बे का जो आप खा रहे होते हैं ना, हाँ मैं किसी दुम्बा हेवन के अंदर बैठ के मीट खा रहा हूँ, ये वो वाला टेस्ट है। अगली चीज़ ट्राई करते हैं जी, एक क्विक सा चपली कबाब। चपली कबाब जो लाहौर टू गुजरांवाला के रास्ते में, एक क्या नाम था उसका, स्पिनगरी उसका नाम भी था, वहाँ पे जो चपली कबाब था वो पंजाबी चपली कबाब था, बिल्कुल बारीक सा, और उसके अंदर टेस्ट भी इतना कोई, मैंने उस वीडियो में बताया भी था, ये ज़रा मुझे मोटू मोटू सा चपली कबाब लग रहा है जैसा पेशावर में मिलता है, बट थोड़ी सी मुझे फील आ रहा है कि इसमें भी पंजाबी वाइब हल्की सी है, ऊपर इसके मसाले वगैरह टमाटर शमाटर लगे हुए नज़र आ रहे हैं।
ना 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 वेरी क्लोज टू मर्दान या पेशावर का चपली कबाब, वेरी क्लोज, नॉट सेम लेकिन बहुत क्लोज है। टेस्ट में बहुत बहुत मज़ेदार है, पंजाबी टच बहुत कम है इसके अंदर, क्योंकि पेशावर मर्दान में आप चपली कबाब खाते हैं इतना मोटा होता है, ऊपर से प्रॉपर क्रिस्पी, और जब तोड़ते हैं तो अंदर से बिल्कुल नरम नरम आपको मीट फील होता है, बड़े खट्टा खट्टा सा, ये अंदर से काफ़ी हद तक नरम है, तो उसके बहुत क्लोज जा चुका है। काबुली पुलाव ट्राई किया जाए, काबुली पुलाव आ जा भाई। ठीक है जी, ये हमारे पास काबुली पुलाव है। काबुली पुलाव की शक्ल एग्जैक्ट पेशावरी काबुली पुलाव वाली नहीं है, थोड़ा वाइट वाइट सा ये राइस है, लेकिन वो टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है। ऊपर इसके उसी तरह से जो है वो गाजरें, मीठी गाजरें, किशमिश, वो चीज़ें डाली हुई हैं, और अंदर से इसके मीट निकल रहा है, मटन। मैंने सोचा था कि मैं बीफ करवाऊँ, लेकिन वो कहते हैं इसमें बीफ है नहीं, तो ये हम लगाएंगे काबुली पुलाव। ये जो इतना आला नस्ल का एक खाना है, जो अक्सर हमें इन चीज़ों के इलाकों में भी मुश्किल से मिलता है, ढूंढने से मिलता है, ये अगर लोगों ने खाना हो, एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, कहाँ पे है ये? ये बेसिकली जो है ये वज़ीराबाद बाईपास पे है। ये वज़ीराबाद बाईपास जी बिल्कुल, ये शहर है वज़ीराबाद का, और ये जो है ना वज़ीराबाद का जो सामने आपने देखा है वो वज़ीराबाद बाईपास। ठीक है जी, सही है। तो मतलब आप लोग, मैं ये कहता हूँ पर्सनली और ऑनेस्टली, अगर आप इस साइड से जीटी रोड से ट्रैवल कर रहे हो लाहौर से, या फिर मैं कहता हूँ कि इस खाने के लिए एक दफ़ा मोटर वे छोड़ के जीटी रोड से ट्रैवल करना आपका बनता है, इतना मज़े का खाना है। और ख़ास तौर पे जो दम पुख्ता, जी जी दम पुख्त, क्या क्लास थी यार। खैर अभी कढ़ाई थी ये सारा, उसके बाद कावे शावे चाय शाय हमने पिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू यार, इतना मज़े का खाना। थैंक यू। मेरे तकरीबन लाहौर यहाँ से कितने किलोमीटर है? लाहौर यहाँ से होगी मेरे ख्याल में कोई 150 होगी, 150 किलोमीटर। तो आप अगर दुम्बा खाना हुआ तो हम तो यहीं पहुँचेंगे, लाहौर से इतना नस्ली दुम्बा आते हैं नेक्स्ट टाइम। जी जी बहुत ज़्यादा आते हैं, वो बता रहे हैं लाहौर इस्लामाबाद से भी लोग आते हैं। जी जी खैर, निकलते हैं हम जब मर्जी, आप आ जाइए आपकी अपनी जगह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Like a train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. क्या कर रहे हो? बंदा कहीं जब मोटरवे या हाईवे पर ट्रैवल कर रहा होता है तो कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ चीज़ें खाने के बाद कुछ मीठे का भी तो होता है ना, और मीठे के लिए भाई आपको लेके आया दी मोस्ट स्पेशल जगह पे, जो जीटी रोड की, मेरा ख्याल है कि मैंने अब तक जो बेस्ट बर्फियाँ खाई हैं उसमें से ये एक बर्फी है। और ये हम लोग इस टाइम गुजरात के बाहर जो जीटी रोड गुजर रही है, ये पीछे मेरे सारे आपको जीटी रोड नज़र आ रही है, गुजरात से बाहर नोना हलवाई, मैं तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले भी यहाँ पे आया था। नोना हलवाई इज़ दी बेस्ट बर्फी मेरे मुताबिक, क्योंकि मुझे जो इस बर्फी का एक नशा नहीं चढ़ता वो वाला सीन था। अभी भाई पहुँचा नोना हलवाई पे, बस यहाँ से क्विक सा ब्रेक है, बर्फी पकड़ेंगे और आगे निकलेंगे। बिलाल भी आप यहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं, आपने ये नोना हलवाई खाया हुआ है? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। आपने अगर इस रोड पे गुजरते हुए नोना हलवाई नहीं खाया, आपने मेरा ख्याल है कि मीठे में कुछ नहीं खाया। अभी नोना हलवाई पे हम गए थे, मैंने उनको कहा कि आधा किलो मुझे बादामों वाली और आधा किलो प्लेन बर्फी दे दें, और उन्होंने मुझे एक किलो का ये डब्बा और आधा आधा किलो के 6 डब्बे और दे दिए। मैं उनको मिन्नत करता रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ये नहीं कहीं यूज़ होंगे, वो कहते नहीं 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 ये लेके जाएँ। खैर ये जी बर्फी जो बनने का स्टाइल सबसे यूनिक, वो मतलब ऐसे कट 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 कट, ये ज़रा आप इस बर्फी को खा के देखें कि आपको क्या इसमें फ़र्क आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। हाँ ऐसा लगता है खोया खा रहे हैं, खोया मुँह में रखते साथ ही अंदर, ज़बरदस्त। सीरियसली मैंने खाया वाकई में यार, बहुत मतलब इनकी अभी मैंने खाई है और सेम वही टेस्ट है, टेस्ट बरकरार है जो 4-5 महीने के पहले का। मतलब अक्सर बर्फी होती है आप खा रहे हो, काली बर्फी हो, मज़े की थी, भूल जाता टेस्ट। ये बर्फी वो है कि इसका टेस्ट
अभी तक मेरे मुँह में था और मैंने खाई है, मुझे फ़ौरन वो हुआ कि यार ये वही बर्फ़ी है। मतलब ऐसे वो जो ज़रा बर्फ़ी आप खाते हैं तो चूरा चूरा मुँह में रहता है ना, ऐसे नहीं पिघलने वाली। पीछे का मंजर देख के आपको समझ तो आ रही होगी कि भाई अपने रूम में इस्लामाबाद पहुंच चुका है। और जो लास्ट आपने ड्रोन शॉट्स देखे हैं, वो जब मैं ड्रोन शॉट्स कैप्चर कर रहा था उस टाइम मैंने सोचा, पहले मैं जब गाड़ी में जा रही हूँ मैंने कहा यार बादल आए हुए हैं क्या बात है, मैंने सोचा यार रुकूँ ड्रोन शॉट्स लूँ नानू, रुकना पड़ेगा। मैं उतरा, मैंने ड्रोन को फ़ौरन सेट किया और ऊपर, और जिस टाइम वो ड्रोन ऊपर गया और जब मैं उसको स्क्रीन में देख रहा था जो शॉट्स आपने अभी देखे हैं, ओफ़ मैं कह रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैं यहाँ पर रुका हूँ। ये ड्रोन क्या क्रेज़ी सीन था, मतलब मैंने इतना ज़्यादा कलरफुल डिफरेंट कलर्स का आसमान बहुत रेयरली देखा हुआ है। एक जगह से पिंक था, एक जगह से डार्क ब्लैक, एक जगह से ग्रे, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह सीन था यार। खैर हम लोग उसके बाद ड्राइव हमारी कंटिन्यू रही, हम देख रहे थे कि और क्या मिले रास्ते में और क्या खाने पीने को मिले। सारा कुछ देसी आ रहा था, जो हमने वीडियो के शुरू में कढ़ाइयाँ सारा कुछ खाया तो वही चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो सेम वीडियो में बार बार कढ़ाइयाँ खाने का मकसद बनता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने बस एक जगह रुक के चाय पी थी और उसके बाद इस्लामाबाद डायरेक्ट। अब पहुँच चुका है भाई इस्लामाबाद। फूड का पाकिस्तान एपिसोड 10 यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख कर भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, और अगला एपिसोड क्रेज़ी इस्लामाबाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।